आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरब बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज हरित तारा यानी ग्रीन तारा का मंत्र दूंगा इनका मंत्र डिप्रेशन में जो व्यक्ति हो जिनका चित्त शांत नहीं रहता हो जिनके घर में लड़ाइयां होती हों और जो कहीं स्थिर ना हो पा रहे हों ऐसे लोगों को करना चाहिए इनकी इस साधना में सामग्री कुछ नहीं लगती है बस ध्यान और जाप पर ध्यान देना होता है अगर सुबह इसका जाप करेंगे तो रुद्राक्षी माला पे करेंगे रात्रि में जाप करेंगे तो स्पटिक की माला पे जाप करेंगे ठीक है कितना जाप कम से कम दस माला उसके बाद जितना कर सकें पूर्व की तरफ बैठ के इनका जाप करेंगे और जो सहस्र चक्र है उस पर ध्यान करेंगे सहस्र चक्र चक्र पर माँ भगवती देवी आद्या को मूल स्वरूप भगवती को आप इमेजिन करेंगे कि वो आपके सहस्र चक्र पर बैठी है और किस चीज पर बैठी है तो एक अर्धचंद्र पर बैठी हुई हैं उनके पांव के पास जो भी आपके गुरु हैं वो बैठे हुए हैं और गुरु के पांव के पास कमल पर हरित तारा बैठी हुई है हरित तारा हरे रंग की होती है और जब बैठती हैं कमल पर तो नृत्य मुद्रा में होती है उनका बायां पैर ऊपर बायां हाथ हृदय के पास जो दाहिना पांव है वो नीचे रहता है और दाहिना हाथ जो है उसमें एक पुष्प रहता है सामने जो कमल की तीन पत्तियां होती हैं उसमें तीन बीजाक्षर लिखे होते हैं क्या है वो अक्षर ओम अह, हम पहली पत्ती पे मतलब आपके बाएं तरफ ओम बीच वाली पत्ती पे अह और आपके दाहिने वाले पत्ते पे हम लिखा रहेगा माँ भगवती देवी हृदय तारा के हृदय पे ताम बीज मंत्र रहेगा यथ तम तम बीज मंत्र रहेगा ऐसा माँ भगवती को आप अपने मन में ध्यान करेंगे और फिर माँ भगवती का जाप करेंगे जब तक पूर्ण माँ का ध्यान ना हो तब तक जाप मत कीजिएगा पहला जो स्टेज है उसमें ध्यान करने की कोशिश करेंगे माँ के स्वरूप का आपके चक्र पर इसमें एक चीज़ समझिए अगर ध्यान नहीं हो पाता है माँ का तो बहुत ज़्यादा मन भटक रहा है तो जो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी थी कि बीस श्वास अंदर लेना है बीस गिनती तक श्वास को रोक के रखना है और बीस श्वास गिनती के साथ छोड़ देना है बीस की गिनती में सांस छोड़ेंगे जब सांस का एक्सरसाइज करते हैं तो हथेली को हमेशा आकाश की तरफ रखते हैं मुट्ठी को बंद नहीं रखेंगे ये एक्सरसाइज करने के बाद आप फिर से माता का ध्यान करें और ध्यान करके जब पूर्ण स्वरूप आ जाए तो मंत्र का जाप करें क्या मंत्र होगा माँ भगवती का ओम तारा तु तारे तुरे स्वाहा ओम तारा तुत तारे तुरे स्वाहा चाइनीज तिब्बित इनकी तरह मत इसको जापिएगा ना उनका प्रोनाशिएशन पकड़िएगा मंत्र होगा ओम तारा तु तारे तुरे स्वाहा इसका जाप करने से जो मनोस्थिति है वो शांत हो जाती है जो उग्र मन चल रहा हो डिप्रेशन चल रहा हो मंत्र में मन में या ऐसा लगे कि अब हार चुके हैं और आगे का राह नहीं दिख रहा हो घर में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया हो कुछ भी ऐसा अगर विषय होता है तो सिर्फ ये एक मंत्र है जो कि आपको किसी भी भव सागर से बाहर निकाल सकता है छोटा सा वीडियो लेकिन आप लोगों के लिए बहुत काम का बैठ करके सुबह जब उठे तो पहला काम करें कि इस मंत्र को जाप लें और रात में जब सोने जाएं तो फिर से इस मंत्र का जाप करें ये बहुत उत्तम मंत्र है और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आज के लिए इतना ही जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक ही सीखनी है, वो जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव अपॉइंटमेंट लेने के लिए नया वेबसाइट आ रहा है डब्ल्यू डॉट हस्य डॉट कॉम जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर मेरा आई डी है उस पर आप जाकर के डायरेक्ट भी मुझसे बात कर सकते हैं आज के लिए तही मातारा आप सभी को मानसिक स्वास्थ्य बनाए ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश हलाख आदेश